तो ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन जो कि अभी आप मेरे हाथों के अंदर देख सकते हो, और सैमसंग कंपनी अपनी इस सीरीज को हर साल इसी टाइम मतलब जनवरी या फरवरी के अंदर लॉन्च करती है, बट अपने पावरफुल फीचर्स और स्पेक्स की वजह से ये स्मार्टफोन पूरे साल टॉप नॉच पर रहता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन अपनी परफॉर्मेंस और कैमरास के लिए जाना जाता है। साथ ही सैमसंग कंपनी ने इस बार इसकी परफॉर्मेंस और कैमरा के साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। बट इस बार S24 सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI के नाम से भी जानते हैं, और ये तो हम सबको पता है कि AI का यूज आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसको मोस्टली हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर काफी ज्यादा यूज किया करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की इन सभी फीचर्स, स्पेक्स और डिटेल्स के बारे में, और एट द एंड हम बात करने वाले इसके मेजर AI फीचर्स के बारे में भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते वीडियो के अंदर आगे, और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन इसका सेम लगभग S23 अल्ट्रा जैसा ही रखा गया है, बट इसकी डिस्प्ले कॉर्नर और फ्रेम्स में चेंज किया गया है, जैसे कि आप इसकी जो फ्रेम्स है वो हमें यहाँ पर अब टाइटेनियम बिल्ड के साथ मिलने वाली है। साथ ही इसके फ्रेम्स को भी यहाँ पर फ्लैट भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो ग्रिप है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। फ्रेम्स के साथ साथ इसकी जो डिस्प्ले है वो भी अब यहाँ पर हमें फ्लैट मिलने वाली है, जिसकी वजह से इस परस पेन से वर्क करना और भी ज्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले हमें थोड़ा प्रीमियम लुक तो प्रोवाइड कर देती है, बट ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क हम यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले पर ही कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले पर ना तो कोई एक्सीडेंटल टच होता है, ना ही इस पेन यहाँ पर कॉर्नर पर स्लिप होता है। और आप इसके बेजल्स पर फोकस करो तो ये देख सकते हो कि हमें यहाँ पर इसके जो बेजल्स है वो बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं, जिनका साइज बहुत कम रखा गया है। साथ ही इसकी चारों तरफ की बेजल साइज सेम होने को जिसका जो फ्रंट लुक है वो काफी ज्यादा कमाल का निकल कर आता है, जो कि अभी आप देख सकते हो। और हमारे पास यहाँ पर इसका जो कलर है वो टाइटेनियम ग्रे कलर है, इसके अलावा आपको इसके अंदर टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम वॉयलेट कलर भी मिल जाएगा, और सैमसंग की ऑफिशियल साइट पर टाइटेनियम ब्लू और ग्रीन कलर भी अवेलेबल है, जो कि अभी यहाँ पर सिर्फ सैमसंग की ऑफिशियल साइट पर ही अवेलेबल है। बात करेंगे इसके पोर्ट्स और बटन की, तो नीचे की साइड यहाँ पर सिम स्लॉट, एक माइक टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स, राइट साइड में यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स, और टॉप साइड यहाँ पर सेकेंडरी माइक से, और यहाँ पर मिलता है अपना एस पेन, जो कि आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पर जो क्वालिटी लुक और जो इसका फील है वो काफी ज्यादा कमाल का मिलता है। तो अभी के लिए रखते हैं इसको इसकी जगह पर वापस, क्योंकि इसका यूज हम आगे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसका जो वेट है वो यहाँ पर 233 ग्राम्स का मिलने वाला है, जिसको मैं ये कहूंगा कि हाँ ये फोन थोड़ा सा हैवी साइड है, बट जिस हिसाब से यहाँ पर इसका जो साइज, बैटरी और डिजाइन है उसके लिए यहाँ पर इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा सही है, जो कि सेम यहाँ पर S23 अल्ट्रा के वेट के इक्वल है। तो इसके ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि S24 अल्ट्रा के डिजाइन के अंदर यहाँ पर जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो इसको और भी ज्यादा रिफाइंड स्मार्टफोन बनाते हैं, चाहे वो इसकी टाइटेनियम फ्रेम हो, फ्लैट डिस्प्ले हो या इसका स्क्वायर शेप हो। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की, जो कि इसमें भी यहाँ पर मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आती है यहाँ पर इसकी फ्रंट प्रोटेक्शन, जिसको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 से यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास आर्मर से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि पहले से ज्यादा सॉलिड और 4 टाइम मोर स्क्रेच रेजिस्टेंस है। साथ ही इसकी रिफ्लेक्शन भी अब 75% तक लेस रिफ्लेक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन दिखना काफी हद तक कम हो चुका है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर 120 हर्ट्ज की क्वाड डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले यूज की गई है, जो कि 6.8 इंच की बिग डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस को भी यहाँ पर 1750 निट से 2600 निट्स का कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक मेजर डिस्प्ले अपग्रेड है। इसकी वजह से आउटडोर में भी फुल लाइट कंडीशन में यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले वो इजिली विजिबल हो जाती है। डिस्प्ले के बाद हम जिस चीज की बात करने वाले वो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, जो कि इसके अंदर यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन का अभी तक का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि लेटेस्ट iPhone 15 Pro Max से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसका जो एंटूटू स्कोर है वो यहाँ पर 2 मिलियन के आसपास मिलता है, जिसमें रे ट्रेसिंग जैसे गेम भी आप इजीली रन कर सकते हो। और तो इस बार यहाँ पर इसके कूलिंग वेपर चेंबर के साइज को भी S23 अल्ट्रा के कूलिंग चेंबर से 1.9 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि ड्यूरिंग हेवी टास्किंग आपके स्मार्टफोन को और भी ज्यादा अच्छे से कूल डाउन करने वाला है। बैटरी साइज इसका जो है वो यहाँ पर सेम S23 अल्ट्रा जितना ही होने वाला है, जो कि आप इसमें भी 5000mAh की बैटरी यूज की गई है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट आपके लिए 5000mAh बैटरी भी इनफ होने वाली है। चार्जिंग की बात करें तो 45W की वायर चार्जिंग, 15W की वायरलेस और 4.5 की रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। इनके अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IP68 की प्रोटेक्शन, USB 3.2 पोर्ट और यहाँ पर वाईफाई 7 जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि 4 टाइम फास्टर वाईफाई स्पीड प्रोवाइड कर सकता है अगर आपका वाईफाई प्रोवाइडर इसके कैपेबल है तो। और इसमें यहाँ पर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यूज किया गया है, जो कि अपने नाम की तरह ही सुपर फास्ट है, जो कि आप अभी इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो। इन सब फीचर्स के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर और एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसके अंदर यहाँ पर सैमसंग का वन यू आई 6.1 मिलता है, जो कि यहाँ पर एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। और इसकी सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इसके अंदर आपको 7 साल तक सिक्योरिटी एंड OS अपडेट मिलने वाले हैं, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लगी। और अब हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के सेकंड लास्ट मेन फीचर के बारे में। सेकंड लास्ट इस वजह से क्योंकि इस फीचर के बाद हम जिस फीचर की बात करने वाले वो सैमसंग S24 सीरीज का सबसे बड़ा चेंज और अपडेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके AI फीचर की, बट उससे पहले एक बार इसके कैमरास की तरफ भी देख लेते हैं। इसका मेन कैमरा जो है वो यहाँ पर 200 MP का मिलने वाला है, जिससे आप 100x तक जूम भी कर सकते हो। और AI सपोर्ट की वजह से इसमें पहले से भी ज्यादा इनहेंस फोटो कैप्चर होने वाले हैं, जिसकी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। साथ ही 12 MP का
अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर मिलता है और 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलता है जिससे आप 3x तक ऑप्टिकल जूम पिक्चर ले सकते हो। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर एक और 50 MP का कैमरा मिलता है जो कि यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा है जिससे आप 5x तक ऑप्टिकल जूम पिक्चर क्लिक कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी यहाँ पर इस बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अभी आप यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रही है अपने iPhone 15 प्लस से, जिसको मैं 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अब आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रही है अपने Samsung Galaxy S24 Ultra से, जो कि मैंने यहाँ पर सेम लाइटिंग कंडीशन के अंदर रिकॉर्ड की है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी रिकॉर्डिंग अच्छी लगी। तो वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले Samsung Galaxy S24 सीरीज के सबसे बिग अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर इसका AI फीचर, ताकि हम देख सके कि इसके AI फीचर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कितने ज्यादा काम के होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लाइव कॉल ट्रांसलेशन AI फीचर के बारे में, और ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने फोन आइकन पर टैप करना है, जहाँ पर आप ऊपर सेटिंग में जाकर ट्रांसलेशन को ऑन करना है। इसके बाद आप जब किसी हिंदी के अंदर बात करते हो तो नेक्स्ट पर्सन को यहाँ पर चाइनीज के अंदर ट्रांसलेशन सुनाई देने वाला है, और अगर सामने वाला पर्सन चाइनीज के अंदर बात करते हो तो उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी के अंदर सुनाई देने वाला है। और ये फीचर कितना ज्यादा एक्यूरेट वर्क करता है तो इसकी फुल टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलने वाला है। फिलहाल अभी के लिए बढ़ते इसके नेक्स्ट AI फीचर की तरफ, जो कि है समराइज ऑल नोट, और इसकी हेल्प से आप किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट को समराइज कर सकते हो जो कि आपको कम समझ में आता हो, क्योंकि इस फीचर को यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट की यहाँ पर समरी निकाल सकते हो। साथ ही आपके पूरे टेक्स्ट को पॉइंट के अंदर भी कन्वर्ट कर देगा जो कि यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा, और आप उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके बाद जो AI फीचर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आप किसी भी नॉर्मल वीडियो पर लॉन्ग टैप करके उसको स्लो मोशन में देख सकते हो, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्मूथ वर्क करता है। नेक्स्ट AI फीचर का नाम है सर्किल टू गूगल, जो कि आपके तब काम आएगा जब आपको फोटो में या वीडियो के अंदर दिखाई गई किसी चीज को परचेस या सर्च करना हो। तो उसके लिए आपको होम आइकन पर लॉन्ग टैप करना है और सिंपल उस चीज पर सर्कल बनाना है जिसको आप सर्च या परचेस करना चाहते हो, जो कि ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। इनके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे कि अब आप फोटो में किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर लॉन्ग टैप करके उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, अपने किसी भी फोटो की बॉर्डर को भी आप यहाँ पर अब रीजनरेट कर सकते हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे AI फीचर्स मिलने वाले जिनको हम यहाँ पर सिंगल वीडियो के अंदर डिटेल्स के अंदर नहीं बता सकते, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।